उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को एम्स में भर्ती किया गया है। उन्हें जेरियाट्रिक वार्ड में चिकित्सकों की देखरेख में रखा गया है। एम्स प्रशासन का कहना है कि वृद्धावस्था में होने वाली दिक्कतों के चलते उन्हें रूटीन चेकअप के लिए भर्ती किया गया है। उन्हें भर्ती किए जाने की पुष्टि एम्स के PRO ने की है। 85 वर्षीय सीएम योगी की मां सावित्री देवी को मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे एम्स के जेरियाट्रिक वार्ड में भर्ती कराया गया। एम्स प्रशासन का कहना है कि अधिक उम्र होने वाली समस्याओं के चलते रूटीन चेकअप के लिए सावित्री देवी यहां पहुंची हैं। मंगलवार को विभिन्न विभागों के चिकित्सकों ने उनके स्वास्थ्य की जांच की। एम्स के PRO संदीप कुमार ने सावित्री देवी के भर्ती होने की पुष्टि की है। इससे पहले बीते दिनों मदर्स डे पर सीएम योगी ने एक तस्वीर शेयर करते हुए अपनी मां को याद किया था। सीएम योगी ने मां का पैर छूते हुए वे तस्वीर शेयर की थी। सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया पर वो तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, हम सभी की प्रथम पाठशाला परिवार की समृद्धि का आधार, सेवा त्याग और ममतत्व की प्रतिमूर्ति, समस्त मातृशक्ति को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, माँ का आशीर्वाद एक सुरक्षा कवच की भांति सदैव हमारी रक्षा करता है। सभी माताओं को श्रद्धा पूर्ण नमन। मुख्यमंत्री की मां का इलाज एम्स ऋषिकेश के जेरियाट्रिक वार्ड में चल रहा है। विभिन्न विभागों के डॉक्टर्स ने उनका मंगलवार को चेकअप किया है। इस दौरान एम्स के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि 60 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों को जेरियाट्रिक वार्ड में भर्ती किया जाता है। इस वार्ड में सभी विभागों के डॉक्टर्स आकर खुद उनका चेकअप करते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।